अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? ठीक हो? सेहत शेहत ठीक होनी है? ठीक अच्छा कितने तनखा देने? 5000 नाल पाइज भी है ना, उन्होंने लत एक पासू मुंह कम नहीं तो ये भी नहीं पढ़ाना होता है कोई का पता गोली खाने ते रोज जी जड़ गोली असर छोड़ी तो का से कुछ नहीं गोली खाने ते तो गोली ना खान तो कोई डर नहीं दमे पे क्या वास ने टंगा की ये ऑपरेशन होया सुने ना थप्पड़ी चट्टी सुने फिर दादा तकलीफ हो गई सुने रमिया रात की मालिश करनी सुने ते ने समझाया ना फिर अच्छा ऑपरेशन कराया ने ऑपरेशन कराया तो बिचारा आड़ पे आया नहीं ये जी समझ नहीं होती है भाई ठीक 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 अल्लाह पाक चलो उससे अदायत है चलो थोड़ा बहुत कम करने पे हो जाना गुजारा मुन बैठ भी औखा हो जाने के लिए मजदूरी करनी पड़ी ना इससे महंगाई पूरी नहीं पड़ी ना पाई है सुन जारी वजह से मुन बैठ नहीं होता जी जी अल्लाह दे आया उसने ऊपर बैठ मार चलो चलो असा तो मदद करने पे हां जेडी तो फीक होनी है सको से करने आता है जितने भी बंदे उन्होंने वास्ते तुसी दुआ करी छड़ा करो तुम दुआवा ही चाहिए असा कुछ ना करने पे जगह करना अल्लाह ताला करना पे अल्लाह ताला आजाद करनी ते अल्लाह ताला आजाद ही बचानी बंदे को मुसीला बनना जे और कई बंद जिन्हें कि देने पे और कई दे चुके हैं पैसे पैसे देने जिन्होंने मदद पैसों ना ली जिन्होंने राशन ना ली उस देना तो बेहतर हो जाना तो अल्लाह ताला वसीला बनाना इंसान वास्ते 5000 रुपये पौड़ी कनो ये सारे ट्रस्ट की तरफ तुसा वास्ते अस तो दुआ करें अल्लाह ताला तरक्की दे साढ़े कम्मे की भी एक अच्छा काम होना पाया ठीक है जज़ाकअल्लाह ये उम्र रसीदा खातून हैं इनकी कोई औलाद नहीं और ना ही कोई इनकी फैमिली है इनके शोहर हैं वो मस्जिद में बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन उनकी टांग में फ्रैक्चर है उनकी टांग का ऑपरेशन हुआ था और उसमें रॉड डाला गया था जिसकी वजह से वो ठीक से चल नहीं सकते लेकिन अपनी मेहनत और मजदूरी का काम वो कर रहे हैं और ये भी हमारे लिए मुस्तहिक हैं क्योंकि इनकी भी कोई औलाद नहीं और ना ही कोई इनका सहारा है तो